आज ही भाई, आज सैटरडे है, बहुत ही खूबसूरत मज़ेदार दिन हो रहा है। तो थोड़ा वॉक करते हैं, वीडियो बनाते हैं और आपको अपना खूबसूरत सा मोहल्ला दिखाते हैं। चलाएं, देखते हैं। यार टोरंटो के करीब में टाउन है जहाँ हम रहते हैं, उसको हम कहते हैं भैया सिटी ऑफ ओकविल। अब सिटी बन गई है, पहले तो ये टाउन ही था। बहुत लोग आ गए हैं। मेरे घर के पास पहले सारी बिल्डिंग नहीं थी, अब आ गई हैं। के पास में मेरे पार्क है, बहुत खूबसूरत पार्क है और इसमें लेक है, पॉन्ड है। इतनी आबादी बढ़ गई है कि दे आर गोइंग वर्टिकल लिविंग। ये देखें, सारी वर्टिकल लिविंग में जा रहे हैं। क्या करेंगे, तो सही बात है, यहाँ पे रहना ही मुश्किल हो जाएगा। खूबसूरत सी वाइड नेबरहुड है हमारी, नेबरहुड की रोड। हाँ जी, सूरज इतना खूबसूरत लग रहा है यार, क्या बात है, या क्या बात है। खूबसूरत सा डेक बनाया हुआ है इन लोगों ने घर के पीछे, बड़ा प्यारा व्यू है भाई इन लोगों का तो। और ये अल्लाह के भला करे, ये आ जाती है हमारी पॉन्ड। सो ब्यूटीफुल। यार सूरज वाकई बड़ा खूबसूरत लग रहा है। क्या बात, मज़ेदार, खूबसूरत, न गर्म न ठंडा। ये तकरीबन 1 किलोमीटर का पूरा रेडियस बनता है। इतना लोग नहीं है वॉक पे, गपशप हो सकती है। तो ये नया सब डिवीज़न है हमारा ओकविल का, जहाँ हम पिछले साल ही मूव हुए हैं और डेवलप हो रहा है। सो बताया मैंने, अभी फ़िलहाल तो यहाँ पे ये सारा पार्क रिजर्व्स हैं, लेक है, उसके अतराफ में घर हैं, एक छोटा सा घर हमारा भी है यहीं पर ही। तो मज़ेदार खूबसूरत कम्युनिटी है कनाडा में। यह बहुत ही खूबसूरत खामोशी, परिंदों की एक चहल पहल। चले यार थोड़ी देर बैठ के देखते हैं, बहुत चले तो नहीं है, बैठने में हर्ज भी नहीं है। ओके,
अच्छा मैं तकरीबन 10 से 11 राउंड लगाता हूँ यहाँ पे, वज़न फिर भी कम नहीं होता। आज देखते हैं कितने राउंड लगते हैं। बहुत अरसे के बाद आए हैं। कनाडा में ठंडक बहुत होती है और ये ठंड प्रोग्राम के बाद हम निकले हैं आज, तो गर्मियाँ तो आ गई हैं। कनाडा में गर्मी बहुत देर से आती है, सबसे आखिर में आती है मेरे ख्याल से। ऐसा नहीं है नॉर्वे वगैरह में भी ऐसे ही सिलसिला है, बट ये कि अच्छा मौसम है, गर्मी नहीं है, मैं प्लेजेंट नाइस। चलाएं, वॉक शुरू करते हैं दोबारा। यार कैसे ज़बरदस्त ख़तरनाक बादल हो रहे हैं, बारिशें होती हैं ज़बरदस्त। मैं ये लेक का व्यू जो है डिफरेंट एंगल से लेता हूँ, क्या बात है, अमेजिंगली ब्यूटीफुल। यार देख रहे हैं जल तो नहीं रहे भाई, जो नहीं आ सकता यहाँ पे, जो जल रहा है भैया तो वो जलता ही रहे। देख रहे हैं अगर बंदा कुछ ना भी करे, खामोशी से बैठ के सिर्फ आप परिंदों की चहचहाट को ही सुनते रहे। यार ये फिर आया है, ये इसको ग्रेट ब्लू हीरोन बोलते हैं, शायद मैं कैप्चर कर सकूं। ये जो ना कोई डायनासोर नस्ल का परिंदा है ये, तो इसको कैप्चर करते हैं। ये रहा भाई, दिस इज द ग्रेट ब्लू हीरोन। अच्छा ये हमारे इधर पॉन्ड में लास्ट ईयर भी आया था, मैं यही नहीं होगा इसकी कोई आहल औलाद होगी। और बड़ा खूबसूरत परिंदा, छोटा सा सर होता है, बड़ा एरोडायनामिक किस्म का, और इसका जो विंग स्पैन है, विंग स्पैन जो है इसका बड़ा वाइड होता है। इट कैन फ्लाई रियली फास्ट आई गेस। तो वैसे भी ये पॉन्ड जो है ये काइंड ऑफ लाइक हैचरी है, बहुत सारे माइग्रेटेड बर्ड्स जो हैं वो आते हैं यहाँ पे, इनमें से ये भी एक है। बहुत खूबसूरत परिंदा है, ग्रेट दैट आई कैप्चर्ड फॉर यू गाइस अगेन। कनाडा में है, अब जा नहीं सकते, कम अज़ कम वो देख तो सकते हैं। Yeah, angles look, the car's over there. Look at that. Great blue heron. I think he is going to mashli pakadne ja raha hai kisi bhi lamhe. Ye capture hoga to bada maza ho jayega yaar. Chal bhai pakad bhi le ab. Acha main usse bahut dur hu. Kareeb mein nahi to mera nahi khayal uska awaaz ja rahi hogi. भूखा मर जाएगा, पकड़ ले। मिस हो गई मछली करीब से। अच्छा भाई जितनी भी सारी वीडियो है मैं 4K में बना रहा हूँ, आई होप के जब अपलोड होगी तो मज़ा आएगा उसको देखने में। Another beautiful view. मस्त आ रहे हैं भैया स्केटबोर्ड चला के, बट थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं। और यार कोई ये ना पूछे कि अलाव है नीचे उतरना कि नहीं, ताला तो लगा हुआ होता नहीं है, दरवाज़ा नहीं होता, तो हम अपना शॉट लेने जा रहे हैं। तो आप भी क्या करें भैया, किसने मना किया है जी?
अच्छा मैं यहाँ पे पिछले एक साल से मैंने इस तरह का शॉट कभी नहीं लिया, पहली दफ़ा उतर रहा हूँ इस तरह। बहुत सारे लोग उतर रहे हैं, कैसी खामोशी है। यार क्या जबरदस्त शॉट लग रहा है इसका, ब्लू हीरोन का ना, क्या प्यारी बर्ड है यार। सो लकी मैं तो आज निकल नहीं रहा था वक्त पे, मेरा एहसास हो नहीं यार चलना चाहिए था। अल्लाह की कुदरत के नज़ारे तो देखें, लगा हुआ जवान अपनी मछलियाँ पकड़ने में। बहुत खूबसूरत बर्ड है यार। अच्छा जी, पता नहीं मैं इस एंगल से ले रहा हूँ, मच्छर बड़े हैं यार, सर पे काट रहे हैं ठीक ठाक तरीके से, तो पता नहीं मेरे पीछे लेक आ रही है कि नहीं आ रही है। चलें, यहाँ से हम नीचे उतर के आए और हम वहाँ पर जा रहे हैं क्योंकि मच्छरों ने हमें काट काट के हमारी ले ली है। खुदा की कसम यार, बड़े गंदे मच्छर थे भाई। सो लेट्स सी, Another beautiful view, रोड का और ये लेक का। और मच्छर मुझे बेइंतहा काट रहे हैं, उसका भी नहीं ले सकता। देख रहे हो, देख रहे हो, लुक एट दिस, क्या बात है। भैया ये व्लॉगिंग जो है ना, आसान धंधा है नहीं। शाही है, लोगों का ख्याल करना पड़ता है और अपने काम से काम रखना पड़ता है। आसान काम तो नहीं है, आई एम गोना कीप ऑन ट्राइंग। बाकी आप लोगों के हक में हूँ कि देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी कर लें यार। करेगा नहीं, मना कर दो, मुझे मैसेज करें, कौन मना कर रहा है। मैं भी कुछ नहीं सकता हूँ, लेकिन ऐसी कहते हैं ना, दिल पे शौरी करने वाली बात, अपने दिल को खुश करने वाली बात। घर का अच्छा लगा मुझे, संडे को आगे बनाया। पट्टियाँ चल रही हैं,
की लड़के आड़ी दस महीने तो लास्ट तो कोई नहीं होगा। लोग अच्छे हैं यहाँ तो घूमन हाथ ही ला देते हैं यार, कम से कम कैप्चर कर रहे हो ट्राइंगल से ही आए यार। लोग बड़े अच्छे हैं यार यहाँ पे, लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत ज़्यादा हो गए। जब लोग ज़्यादा हो जाएं तो अपने अपने कल्चर लाते हैं, फिर वो कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट होता है और फिर झगड़ा शुरू हो जाता है। हम झगड़े से दूर रहेंगे भैया, चाहे देख रहे हैं पूरा हमने सर्कल पूरा मारा है 1 किलोमीटर का। अच्छा जी, मेरी तो वॉक कॉज आज की इख्तिताम पज़ीर होती है। जहाँ से मैं एंटर हुआ था वहीं पे मैं अपने फ़ोन को बंद कर दूँगा, फिर उसके बाद मैं थोड़ा तेज़ तेज़ चक्कर लगाऊँगा कि यार थोड़े 10,000 स्टेप्स हो जाएँ। क्या बात है यार, क्या शॉट है, मज़े करें आप यार, या ना करें मज़े, दोनों पार्टियां देखेंगी। चल गया अभी तक यार, घास काटने मेरे कुत्ता घुमा रहे, ये पता नहीं कुत्ता क्यों घुमा रहा है। कैनेडा में बड़े कम अर्से में बहुत सारे लोगों ने खूब पैसा बनाया, यहाँ प्रॉपर्टी रियल इस्टेट की जो बहुत ऊपर गई, जिन जिन्होंने सस्ते जोका पार्क सारे अच्छे लोग हैं। अब देखते हैं रोकता है कि नहीं रोकता स्टॉप साइन पर। नहीं रोका, नहीं रोका, लाइसेंस प्लेट भी आ गई, ये भी नहीं रुके। ठीक है तो हम चले, हमारा काम चले। स्टॉप साइन है, स्टॉप साइन पर रुकना ज़रूरी होता है ताकि पेडेस्ट्रियन का जो है वो फर्स्ट राइट है, क्योंकि वो दोनों नहीं रुके, दोनों मरेंगे। मजा है आप लोगों को, ये अभी तक नहीं। कल हम जाएंगे 16 माइल्स क्रीक, आपको थोड़ी सी शूटिंग करके लिए टाइम में देखते हैं क्या निकल के आता है। ये मेरी गली मेन रोड साइड पे बहुत कम लोग रहते हैं इस गली में, मिलते हैं फिर। अच्छा भाई हम आ गए यहाँ तक, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, और अब हम इसको यहाँ करते हैं इख्तिताम पज़ीर। कैसा लगा बताएं, सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। ऑलराइटी, बाय।